हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपके एमबीपीएससी, एसएससी, रेलवे बोर्ड और टीचर्स एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए, बैंक के एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, इनके लिए अपन कैसे शुरू करते हैं और कैसे इनको हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जी दोस्तों, यदि आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आप अगर हल कर लेते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। देखिए, आपको मिला दो सेकंड का टाइम, आप इसको हल कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दिए गए विकल्प में लुप्त अंक याद कीजिए। दोस्तों, यहाँ एक है, 27 है, यहाँ 125 है, और यहाँ क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन मार गए। ऑप्शन 169, 256, 261 और 343। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ लग रहा है कि संख्या इधर से शुरू होकर यहाँ तक आ रही है, बढ़ते क्रम में आ रही है। और दोस्तों, आपको लग रहा है कि ये एक है, ये वर्ग संख्या भी हो सकता है और घन संख्या भी हो सकता है। एक क्या हो सकता है, ये एक का वर्ग भी हो सकता है और घन भी हो सकता है। लेकिन 27 क्या है, 27 है दोस्तों, ये जो 27 अपनों को दिख रहा है, ये 3 का घन है। क्या है, 3 का घन, यानी 3 तिया 9 तिया 27। और इधर पहले अपनों ने देखा था 1, तो 1 भी 1 का घन है, 1 का घन। तो ये 1 का घन है, ये 3 का घन है, और ये किसका घन होना चाहिए, ये 5 का घन है, 125। ये किसका घन है, 5 का, क्योंकि 5 × 5 × 5 × 5 = 25, 125, तो ये 5 का घन है ना। ये किसका घन है, 5 का घन है। तो दोस्तों, पहले ये विषम संख्याओं के घन आ रहे हैं। कौन से संख्याओं घन आ रहे हैं, विषम संख्याओं, यानी ये 1 का घन है, ये 3 का घन है और ये 5 का घन है। तो ये कौन से संख्या घन होगा दोस्तों, 1 के बाद 3, फिर 5, और 5 के बाद कौन सी आएगी विषम संख्या, 7। कौन सी आएगी, 7। तो 7 का घन अगर निकालेंगे तो 7 × 7 × 7, तो 7 × 7 = 49, और 49 में 7 का गुणा करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 343, जो अपना ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन अपना पूरा राइट है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अपनी संख्या को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे 50 है, 122, 5, 10 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। अब इस संख्या को अपन कैसे हल करेंगे, दोस्तों यहाँ 5 के बाद 10, ये बढ़ते क्रम में इधर जा रही है, ठीक है, इससे बढ़ते क्रम में जा रही है। तो दोस्तों, ये देखना है कि 5 कैसे आया, सबसे पहले तो ये देखना है अपनों को कि 5 कैसे आया, फिर 10 कैसे आया, है ना? फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है सही, फिर 50 कैसे आया, ये अपनों को देखना है, ठीक है ना। ये 5 कैसे आया, 10 कैसे आया, और फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा, और ये 50 कैसे आया, और फिर 122 कैसे आया, ये अपनों को देखना है दोस्तों। ये देखते हैं अपन 5 कैसे आया, यानी अपन 2 का अगर स्क्वायर करें और प्लस 1 कर दें तो 2 × 2 = 4 × 1 = 5 हो गया, ठीक है। 2 के बाद अगर 3 का स्क्वायर करें प्लस 1 करें तो 3 × 3 = 9 × 10, ये भी हो गया, है ना। इस प्रकार अगर इसको यहां देखें, 2 × 3 का हो गया, तो इसको 4 का और स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 × 16 ने कितना होगा, 17। तो यहां कितना हो सकता है 17, है ना। लेकिन आगे देखते हैं अपन, 3 × 4 क्या ये 5 में आ रहा है क्या, ये तो एक दो क्रम से अगर ले लिया तो ये 4 ले लिया अपने, लेकिन 4 के बाद क्या ये 5 का स्क्वायर 50 आ रहे हैं क्या, देखता है, ये देखना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 25 + 1 यानी 26, तो 26 यहां नहीं आ रहे हैं, यानी ये तरीका अपना गलत हो गया। लेकिन 50 तो आ रहे हैं, 50 क्या संख्या आ रही है अपने मालूम पड़ रहा है, ये किस संख्या का वर्ग करने मालूम पड़ रहा है, ये मालूम पड़ रहा है, देखो आपके। तो
तो यहां पे चार अपना नहीं होगा, यहां तक तो अपना सही आ रहा है। दो तीन के बाद पचास किसकी संख्या में आ रहा है, सात, सात का स्क्वायर प्लस वन, सात से तो 49 ने एक पचास, सात में आ रहा है, ये ने अभाज्य संख्या आ रही है। कौन संख्या आ रही है, अभाज्य संख्या आ रही है, दो तीन फिर सात आ रहा है ना, यहां सात आ रहा। अब यहां सात के बाद ये आठ नहीं आ रहा है, नौ भी नहीं आ रहा है, क्यों, नवे नवे इक्यासी इन्हें बयासी, दस दाम सो, ग्यारह में आ रहा है। कौन से में आ रहा है, ये ग्यारह में, कि ग्यारह का स्क्वायर ग्यारह ग्यारह एक सौ इक्कीस प्लस वन इन्हें एक सौ बाईस, इन्हें कौन सी संख्या आ रही है दोस्तों, यहां पे संख्या वो आ रही है जो अभाज्य संख्या आ रही है। कौन संख्या आ रही है दोस्तों, अभाज्य संख्या आ रही है ना। तो यहां दो का हो गया, तीन का हो गया, तीन के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है दोस्तों, पांच, कौन सी आती है, पांच, तो पांच का स्क्वायर करेंगे प्लस वन करेंगे, पांच पांच पच्चीस ने छब्बीस, यहां कौन सी संख्या आएगी, छब्बीस आएगी, जो अपना ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन अपना राइट है, ठीक है, ये अभाज्य संख्या में आ रही है। यहां पर अपना ऑप्शन कौन सा हो रहा, छब्बीस अपना राइट आंसर होगा, क्योंकि पांच के बाद फिर ये सात में आ रहा और फिर ये ग्यारह में आ रहा, यानी कौन संख्या आ रही है, सब ये अभाज्य संख्याओं का वर्ग आ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, तीसरा सवाल देखिए, यहां पे चौसठ है, यहां पे छत्तीस है, यहां पे उनपचास है और ये इक्कीस है, कैसे आया देखते हैं दोस्तों। ये चौसठ किसका वर्ग है, आठ का वर्ग है ना, ये किसका वर्ग है, सात का वर्ग है और ये किसका वर्ग है, छह का वर्ग है। यदि इन सबको जोड़ते क्या होगा, देखो आठ ने सात पंद्रह छह इक्कीस है ना, जोड़ने पे आ रहा है, ये किसका वर्ग है, ग्यारह का, ये किसका वर्ग है, इक्यासी नौ का और ये किसका वर्ग है, दस का, तो ग्यारह नौ बीस ने दस तीस, तो यहां कितना आना चाहिए, तीस आना चाहिए, तीस अपने ऑप्शन में ये वाला राइट आंसर है ना। इस तरीके से अपन सवाल को बड़ी आसानी से सवाल का हल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सैतीस है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो क्रमागत संख्या दे और उनके वर्गों का अंतर अगर सैतीस दे दे या कुछ अंतर दे दे, तो आपको छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, ये सैतीस है, अगर छोटी पूछे तो माइनस एक करो और दो का भाग लगाओ और कुछ नहीं करना बस। तो दो का भाग माइनस एक किया, यानी कितना आ रहा, छत्तीस में दो का भाग लगाया ना अट्ठारह, ये ऑप्शन ऑफ राइट है। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ ले तो सैतीस प्लस वन, सैतीस ने एक अड़तीस अपान टू, ये ना उन्नीस, बड़ी संख्या पूछे तो उन्नीस और छोटी पूछे तो अट्ठारह, ठीक, ये बड़े आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, प्लस कर दो, बड़ी पूछे तो प्लस कर दो, छोटी पूछे तो माइनस कर दो। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल 25 और अंतर 7, तो उन संख्याएं बताइए आप। अब दोस्तों संख्याएं आपने ऑप्शन से उत्तर निकाल लेते हैं, देखिए दो संख्याओं का योगफल तो 25, 18 7 25, योग तो 25 आ रहा है, लेकिन क्या 18 में 7 घटाएं तो कितना बचेगा, 10, तो ये नहीं आ रहा है ना, यानी 18 प्लस 7 बराबर 25 तो हो रहा है, लेकिन 18 माइनस 7 करें तो 11 आ रहा, जो यहां पे अंतर में उनका अंतर है ना, उनका अंतर 7 नहीं आ रहा है, ठीक है, और 16 नौ 25 हो रहे हैं, तो 16 ने और 16 ने जिसमें घटा देखे, 16 प्लस 9 बराबर 25 हो रहे हैं और 16 माइनस 9 बराबर 16 में 9 के तो 7, तो ये प्लस में भी आ रहा है और ये माइनस करें तो भी संख्या आ रही है, यानी कौन से उत्तर मिल रहा है अपना, बी वाला ऑप्शन राइट हो रहा है, ठीक है। अभी कभी कभी अपने आंसर से भी इसका आंसर निकाल लेते हैं, ऑप्शन से भी आंसर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी संख्या को सांकेतिक भाषा में सी बराबर 3 आल बराबर 25 तो सी एन का मूल्य क्या होगा। यहां आपको पता लग रहा है सी का मान 3 दिया है, सी का मान 3 दिया, यानी ए का मान कितना होता है, एक, बी का मान कितना होता है, दो, और सी का मान कितना होता है, तीन, यानी एबीसी के क्रम लग रहे हैं, कौन सा क्रमांक लग रहा है यहाँ पे, एबीसी का क्रम लग रहा है। अब आपको गिनना है कि अब यहां इसी प्रकार 25 में देखिए आल, तो ए का मतलब कितना हो गया, एक हो गया है ना, अब एल कितने नंबर पर आ रहा है वो आपको गिनना है ना। देखो
तो एक दो तीन हो गया ना। अब क्या होगा, ए बी सी, देखो तीन के बाद भी क्या होगा, चार पाँच छः सात आठ नौ दस है ना, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसके बाद के एल है ना, डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो यहाँ पे 9 10 11 और 12, यहाँ एल का मतलब कितना आ रहा, 12, तो यहाँ 12 प्लस 12 ठीक है, 12 12 24 नहीं 25 है ना, इनको जोड़ दिया। इसी प्रकार सी ए एन का निकालना अपनों को, तो सी का मतलब तो 3 हो गया है ना, प्लस ए का मतलब 1 हो गया, और एन का मतलब निकालो, देखो तो यहाँ पे के था वो के एल एम और एन, यानी 12 13 और 14, एन का मतलब कितना हो अपने पास, 14, ये 14 ये सी ए एन, एन का मतलब अपने पास कितना हुआ 14, तो 14 ने 15 और 3 18, ये इसका हो गया। इस तरीके से एबीसीडी के जो अंक है उनको जोड़कर भी अपनी संख्या को निकाल सकते हैं। अब ये प्लस में आ सकती है, अगर इसका गुणा में संख्या आ सकती है, और कैसे भी इनका मान करके संख्या आ सकती है, तो अपन जैसे संख्या पूछे वैसे अपन हमको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर 0 6 24 60 120। दोस्तों बड़ा सरल क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों 0 कैसे आया फिर 6 कैसे आया, यदि अपन 1 का अगर स्क्वायर करें माइनस 1 घटाएं तो क्या होगा, 0 हो गया है ना, यदि 2 का स्क्वायर करें माइनस 2 घटाएं तो 2 हो रहा, 2 दून 4 माइनस 2 2 हो रहा, या 6 नहीं हो रहा तो स्क्वायर करने में नहीं आएगा, इसका क्यूब करें तो 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, माइनस 1 करें तो 0 सही है, लेकिन 2 का क्यूब करें तो कितना हो, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 दून 4 दूनी 8 माइनस 2 बराबर 6, यानी क्यूब में संख्या बन रही है, कौन संख्या बन रही है क्यूब में। इसी प्रकार 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हुआ, 3 3 होती है 27 माइनस 3 यानी 24 ठीक है। इसी प्रकार ये 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64 है ना, 4 का क्यूब माइनस 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 4 कितना हुआ 60, ये 5 का क्यूब है, इसके बाद कितना 6 का क्यूब आएगा, तो 6 6 36 और 36 में 6 का गुणा करें कितना होगा 216, 216 माइनस 6 घटाएंगे तो कितना होगा 210, कितना ऑप्शन आएगा दोस्तों 210, तो ये वाला ऑप्शन अपना राइट है ठीक है। 36 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 का 6 हटाएं दिखते सामने 216 माइनस 6 बराबर 210, ये ऑप्शन अपना राइट है। तो इस तरीके से अपन सवाल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फाइंड द मिसिंग नंबर, अपन कैसे याद करें, ए बी सी बी सी ए, अगर इस तरीके से और सवाल आए तो अपन किस तरीके से करेंगे दोस्तों, इस सबको गिन लो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने हो दोस्तों 18। अब दोस्तों 18 में कुछ नहीं करना, इसके इसके तीन जोड़े बना लो, कितने बनाएंगे 3, तो 3 6 18 यानी 6 का एक ग्रुप बनेगा है ना, 6 का एक ग्रुप बनाओ, तो 1 2 3 4 5 6 ये ग्रुप बन गया, 1 2 3 4 5 6 ये ग्रुप यहां बन गया, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अब देखिए यहां से अपन देखते हैं कि सी बी सी, तो सी बी इसके बगल में सी लिख सकते हैं अपन आसानी से, अगर यहां सी लिखने पर ये ग्रुप पूरा बन रहा अपना सी बी सी ए बी ए बन गया, तो सी बी सी के बाद यहां पे अपन ए लिख सकते हैं क्योंकि ए बी ए तो दोनों बन गए इसमें, तो सी इसके बाद यहां बी लिख दो आप है ना, सी बी सी हो गया ठीक है, सी बी सी हो गया, इसके बाद क्या है फिर ए है तो ए भी यहां है, फिर बी ए तो यहां पे क्या आ जाएगा अपना बी ए ठीक।
अब अपन क्या क्या भरा, एक तो सी भरा, एक बी भरा, फिर बी भरा और फिर ए भरा, क्योंकि अपना ग्रुप बन गया ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी, तीनों ग्रुप एक जैसे बन गए। तो सी बी बी ए कहां पर मिलेगा अपना, सी बी बी ए, सी बी बी ए, ए वाला ऑप्शन अपना राइट है, सी बी बी ए, ए वाला ऑप्शन अपना राइट है। थैंक यू दोस्तों, इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।